छाता तहसील के गांव डडीजरी के पास झाल के पुल के पास लगभग एक दर्जन गायों के मर जाने से गांव में हड़कंप मच गया। गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गायों को बचाने का प्रयास किया। ग्रामीणों के अनुसार रात को कुछ गाड़ियां आई थी जिनमें इन गौवंशों को लाया गया था और इन्हें यहां छोड़ दिया गया। ग्रामीणों को ये सारी मृत गाय गांव डडीसरी के पास से गुजर रही नहर में मिली। ग्रामीणों ने गौवंश के मृत शवों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर सुरीठ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार अब तक 15 गायों के मृत शरीर उन्होंने बाहर निकाले हैं और भी गौवंश के नहर में पड़े होने की संभावना है जिनको ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। जी क्या कैसे कैसे क्या हुआ यहाँ, कौन सी जगह की घटना है ये? डरीसरी वाला पुल पड़ता है, एक झाल का पुल है डरीसरी गांव के नज़दीक में, और यहाँ रात को कुछ गाड़ी आई है, उन गाड़ी वालों ने इनको छोड़ दिया है और डरीसरी के लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के साथ नहर में से गायों को निकाला जा रहा है। प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है, सुरीठ थाने से पूरी मदद मिल रही है, डरीसरी के गाँव के लोगों की पूरी मदद मिल रही है, बड़ी मशक्कत के साथ नहर में से निकाला जा रहा है। 15 गौवंश की हत्या कर दी गई है। इसमें गाड़ी डेटे की बताई जा रही है, लाल कलर की गाड़ी है और डेटे के लिए टीम भेज दी गई है और गाड़ी की खोज करी जा रही है। वर्तमान प्रधान पुन्नो ठाकुर डरीसरी पूरी सहयोग कर रहे हैं, डरीसरी के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से पूरी मदद है, मगर दुख इस बात का है कि 15 गौवंश की हत्या कर दी गई है और बड़ी मशक्कत के साथ इनको निकाला जा रहा है। अभी तो आगे भी पड़ी हुई है गांव, अभी आगे घुस के बालक लगे हुए हैं डरीसरी के और नहर में घुस रहे हैं और गायों को बाहर निकालने का कार्य जारी है। जो हमारे संघ के साथ मैं कर्नल सिंह, चेयरमैन एंटी करप्शन सोसाइटी मथुरा से, हमारे थाना सुरीठ क्षेत्र के गांव डरीसरी में आज नहर के अंदर एक दर्जन के आसपास गौवंशों को गिराकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई है, जो आए दिन निराश्रित गौवंशों के साथ अत्याचार हो रहा है। उसमें शासन जिम्मेदार है, किसानों की फसलों को निराश्रित गौवंशों द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। क्षेत्र के लोगों द्वारा आए दिन धरना प्रदर्शन व अधिकारियों से शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। किसान परेशान होकर आए दिन गायों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में अलीगढ़ क्षेत्र के डेटा भंगरा की तरफ से कोई अज्ञात वाहन में भरकर करीब 1.5 दर्जन गौवंशों को लाकर डड़ीसरी के निकट नहर में पटरी पर गाड़ी लगाकर नहर के अंदर गिरा दिया गया, जिससे करीब 1.5 दर्जन के आसपास गौवंशों की हत्या हो चुकी है, जिसमें थाना सुरीर के सहयोग से और आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से मृत गौवंशों को निकाला जा रहा है, जो बहुत ही दुखद है। इसके लिए शासन को कुछ न कुछ करना चाहिए और ऐसे गौवंशों के साथ अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।